हेलो फ्रेंड्स, डिमांड थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी मींस रिस्पॉन्सिवनेस। और किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। किसके लिए रिस्पॉन्ड कर रही है डिमांड? जैसे कि हमें पता है एक इंडिविजुअल का बिहेवियर एक्शन और रिएक्शन पर डिपेंड करता है, यानी आप कुछ करते हैं तो उसके एवज में दूसरा पर्सन क्या करता है, दैट इज व्हाट रिएक्शन। आपके एक्शन या आप कोई पर्सन किसी तरह से रिएक्ट करता है तो आप कैसे एक्शन लेते हैं, या आपका बिहेवियर होता है। इस तरीके से डिमांड कैसे बिहेव करती है, डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये हम पढ़ते हैं। और डिमांड का रिस्पॉन्ड जो होता है, हमें पता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके इन्वायरमेंट के ऊपर। इसी तरीके से ही एक डिमांड का भी जो बिहेवियर होगा, जो रिस्पॉन्सिवनेस होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके फैक्टर्स के ऊपर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिमांड के फैक्टर्स होते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। अब इस तरीके से हमने पढ़ा कि ये डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, जो डिसाइड करेंगे डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस, जो डिमांड को डिसाइड करते हैं, और फिर वही डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस को भी डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि डिमांड आपकी प्रोडक्ट की बढ़ेगी या घटेगी डिपेंड करता है सबसे पहले उसकी प्राइस पे। तो प्राइस में अगर चेंज होता है तो डिमांड में कितना चेंज होता है, ये हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि अगर कोई चेंज हमारी प्राइस में हो रहा है, सिर्फ 3 से हम 1 रुपये पे आ गए, तो उस वजह से 3 से 1 घटाव बढ़ाए पे हमारे डिमांड का क्या, डिमांड पे क्या फर्क पड़ा, डिमांड घट गई कि बढ़ गई, दैट इज व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा हम पढ़ते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज व्हाट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होता है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है। तीसरा आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब अगर इनकम बढ़ती है या इनकम घटती है तो उस वजह से कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देता है या घटा देता है, दैट वी स्टडी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की होते हैं। सबसे पहले होता है दैट इज व्हाट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, और थर्ड होता है ज्योमेट्रिक मेथड। ये तीनों ही मेथड दिए थे प्रोफेसर मार्शल ने, याद रखिएगा प्रोफेसर मार्शल ने ये 3 मेथड दिए हैं डिमांड को मेजर करने के लिए, डिमांड की इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि नाम बता रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज होता है प्राइस के बढ़ने या प्राइस के घटने से, वो हम पढ़ते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। ये देखो 3 सेट है ए बी सी। ए में हमने पढ़ा कि प्राइस जो है पहले 2 रुपये थी तो डिमांड थी वो 4, प्राइस घट के 1 हो गई, डिमांड हो गई 8। बी में हमने देखा प्राइस थी पहले 2, डिमांड थी 4, घट के हमारी 1 हो गई प्राइस और डिमांड बढ़ गई 10। इस तरीके से यहाँ पर पहले थी डिमांड 3 और फिर हो गई 4। अब हम देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हमने कैलकुलेट करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इधर देखिए पहले प्राइस 2 था, हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 4, 2 × 4 = 8। अब हमने बोला प्राइस घट के 1 हो गई, लेकिन अब हम क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहे हैं, 8, 1 × 8 = 8। यानी कि पहले भी हम 8 ही एक्सपेंड कर रहे थे, 8 खर्च कर रहे थे रुपीज़, और अब भी हम 8 रुपीज़ ही खर्च कर रहे हैं, तो कोई भी चेंज नहीं आया हमारे एक्सपेंडिचर में, ठीक है। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी हो गई, ये देखिए ED = 1। ED का मतलब E मीन्स इलास्टिसिटी एंड D स्टैंड्स फॉर डिमांड। = 1 मीन्स जिस प्रपोर्शन में प्राइस चेंज हुई है उसी प्रपोर्शन में क्या हुआ, डिमांड जो है वो चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिससे यहाँ पे हम डिमांड की बात करें, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करें, तो एक्सपेंडिचर हमारा सेम तरीके से ही चेंज हुआ, इसलिए ED = 1, यानी पहले जितना था उतना ही अब है, सेम है, तो इसलिए 1 है। फिर आता है हमारा बी। बी में हमने पढ़ा कि 2 रुपये थे में मिलता था कोई चीज़, 2 रुपये में हम 4 खरीदते थे और 1 रुपये में हम 10 खरीदने लगे, यानी कि रेट तो क्या हुआ, जिस रेट में चेंज हुआ उससे ज़्यादा रेट में, यानी कि 8 था पहले एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10, उससे ज़्यादा रेट में हमारे एक्सपेंडिचर को जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है प्राइस के घटने से, जिसका मतलब ED > 1, इलास्टिसिटी रिस्पॉन्ड करा है ज़्यादा देन 1। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए लास्ट वन, पहले डिमांड हम पहले तीन क्वान्टिटी डिमांडेड थी, अब 4 हो गई, अब टोटल एक्सपेंडिचर पहले 6 था और अब 4, यानी कि अब घट गया है। तो ED > 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज < 1, यानी कि कम रिस्पॉन्ड जो है वो कम कर रही है। जिस प्रोपोर्शन में चेंज हुआ उस प्रोपोर्शन से देखो 3 से 4 यानी कि बहुत कम रिस्पॉन्ड करा, देन ईडी इज लेस देन 1. ये तो हो गया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. अब दूसरा मेथड आता है प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं. परसेंटेज मेथड को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा. वैसे तो बहुत आसान है. ईडी अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है फिर क्योंकि इसके कोफिशिएंट माइनस में होते हैं, देन दैट इज व्हाट डेल्टा, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज इन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस. प्राइस यहाँ पे हमारी ये है इनिशियल प्राइस और क्यू है इनिशियल डिमांड. कैसे इनिशियल का क्या मतलब है अभी हम सब समझेंगे. तो दैट इज व्हाट, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन प्रोपोर्शनेट मेथड एंड परसेंटेज मेथड. इसको हम परसेंटेज चेंज इन क्यू डी क्वान्टिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी बोलते हैं. आप ये लिख लीजिए. अब इसको एक न्यूमेरिकल से समझेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं. देखिए यहाँ पे पहले नेगेटिव साइन को देखिए. ये नेगेटिव साइन जो दिया हुआ है कोफिशिएंट है, वो इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड्स रहता है, इसलिए इसका जो स्लोप यहाँ पे साइन है वो माइनस में है. लेकिन हम इसको कन्वेंशन ऐसा है कि इसको इग्नोर किया जाता है. अब हम बात करें चेंज, दैट इज व्हाट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें कैलकुलेट करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे Q1 माइनस Q. ठीक है, Q1 का मतलब हमारी अब जो प्राइस चेंज हो, जैसे ये वाला एग्जांपल लो तो पहले प्राइस पहले कितनी दो थी, 2, और अब कितनी हो गई 1. तो यानी कि 1 माइनस 2 हम लेकर के आएंगे. इस तरीके से आएगा चेंज इन, दैट इज ये आ जाएगा हमारा Q1 माइनस Q इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी. ये क्वांटिटी में चेंज आ गया. और चेंज इन प्राइस P1 माइनस P. तो हमारी सॉरी ये क्वांटिटी यहाँ पे तो पहले चार थी और अब हमारी 8 हो गई. तो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 4. और P1 पहले प्राइस थी 1 और अब कितनी हो गई 2. तो 1 माइनस 2 माइनस में 1 चला जाएगा. तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे Q1 माइनस Q. चेंज इन क्वांटिटी कैसे हम करते हैं, Q1 minus Q, where Q1 refers to the change of the price, change of the quantity demanded, and Q means initial. इससे चेंज होने से पहले जो हमारी डिमांड थी, और P1 का मतलब चेंज होने के बाद क्या डिमांड प्राइस थी और चेंज होने से पहले क्या प्राइस थी. जब हम 1 की बात करें, इस तरह से हमने n-1 और m मार्जिनल यूटिलिटी में भी किया था, और mu n-1 माइनस mu n लिखा था. यानी चेंज होने से चेंज होने के बाद वाले को हम पहले रखते हैं और चेंज होने वाले को हम पहले वाले को हम बाद में रखते हैं. इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे. अब हमने बोला था हम इसको एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं. देखिए ये देखिए, पहले प्राइस थी हमारी 5 और घट के कितने हो गए 4. इस तरह से क्वांटिटी डिमांडेड पहले 4 थी और घट के कितनी बढ़ के कितनी हो गई 6. तो हम यहाँ बात करें इस चीज को हम समझते हैं. पहले हमने बोला कि हमें ये हमारा फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी. ठीक है, अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे. पहले हमारी क्वांटिटी कितनी थी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए हम क्या करते हैं Q माइनस Q1 माइनस Q. तो क्या हुआ 6 माइनस ऐसे करेंगे 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2. फिर उसके बाद में हम रखेंगे क्या चेंज इन प्राइस, तो P1 माइनस P. P हमारी पहले प्राइस कितनी थी हमारी 5 और अब 4 हो गई. तो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5. ये हमने रखा है. ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस 1 इंटू इनिशियल प्राइस कितनी थी हमारी 5 और इनिशियल डिमांड कितनी थी हमारी 4. अब हम इसको देख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई कर इसको पहले डिवाइड करेंगे इनको, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 एंड 5 डिवाइडेड बाई माइनस 4. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5. इसका मतलब हम फिर से वही बात करें, अगर हम यहाँ देखें तो इज इक्वल टू 1 और मोर देन वन ना, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन यूनिटरी है. यानी कि जिस प्रोपोर्शन में प्राइस चेंज हो रही है उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है डिमांड जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है. इस तरह से इट इज इक्वल 2.5, इसका मतलब इट इज ग्रेटर देन 1. दिस मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा है. ये हो गया। आप इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, एग्जाम में आएंगे। एक और वो होता है, एक तरह का और न्यूमेरिकल आता है जिसमें वैल्यू मिसिंग रहती है, आपको वो कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। जैसे आपके पास ऐसे दिया रहेगा प्राइस, फॉर एग्जांपल 5 है, क्वांटिटी डिमांडेड 100 है, क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियली हम बात कर रहे हैं चेंज होने से पहले, और चेंज होने के बाद डिमांड जो थी वो हमारी बढ़ के 140 हो गई, और जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आ रही है वो हमारी है -2। हमें दिखाना है, अब इसमें सब चीज़ें हमारे पास P1 नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आप देखिए पहले हम बात करें, हमारे पास 140 माइनस 100, ठीक है, P1 हमारे पास है नहीं, हमारे पास P है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। P है हमारे पास, सॉरी 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लगा देंगे। अब दूसरी तरफ हमारे पास P हमारा क्या था, इनिशियल प्राइस 5 और इनिशियल डिमांड 100, हमारे पास ये, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास ऑलरेडी है -2। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आगे हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद भाई हमारे पास ये तो है ही नहीं, चेंज इन प्राइस नहीं है, -2 है, ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको दोबारा से मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ये था, ठीक है। अब हमने इसको किया तो हमारे पास इसको हमने सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 2 चेंज इन प्राइस, जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, यानी इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, तो यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे P हमारे पास है, क्या था P हमारे पास 5, और चेंज इन प्राइस हमारा ये निकल के आया -1, तो P माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो 4 हो गई हमारी क्या, जो चेंज हमारी प्राइस में हुआ था। अब इसकी इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब थर्ड आता है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में क्या होता है, ज्योमेट्रिकली दिखाया जाता है डिफरेंट पॉइंट्स, यस, पॉइंट्स दिखाते हैं हम डिमांड कर्व पे, डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स दिखाते हैं हम, और उसी से मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट बने हुए हैं, एक ही M है, ये A पॉइंट हुआ, ये P पॉइंट हुआ, ये B पॉइंट हुआ, ये P हुआ, और ये N हुआ। ये क्या पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। ये क्या बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे ED इज इक्वल टू, जो मिड पॉइंट है वहां पर ED इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि डिमांड जितनी है, जितनी चीज हिसाब से प्राइस जिस हिसाब से चेंज हो रही है, प्राइस इधर लिखते हैं, डिमांड इधर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर Y एक्सेस पे लिखते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल हम बढ़ रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय ज्योमेट्रिक मेथड। तो डिफरेंट पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट डिफाइंस दैट ED इज इक्वल टू 1, यानी कि जिस हिसाब से प्राइस चेंज हो रही है उसी हिसाब से हमारी डिमांड भी चेंज हो रही है। एंड पॉइंट इज व्हाट ED इज ग्रेटर देन 1, यानी कि प्राइस तो हमारी जिस रेट में चेंज हो रही है उससे ज़्यादा रेट में हमारी डिमांड चेंज हो रही है। ए पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं दैट ED इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कि आप जितनी भी मर्जी, मतलब आप प्राइस जो है वो हमारी सेम है, उसी प्राइस सेम पर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी खरीद रहते हो। यानी कि अगर आपने ज़रा भी प्राइस चेंज करी, 4 से आप 3 लेके आए, 4 से आप 5 लेके गए, तो हमारी डिमांड जो है वो 0 पे पहुंच जाएगी। वो इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, कोई चेंज नहीं, क्वालिटी वाइज, क्वान्टिटी वाइज, कम्युनिटी वाइज। तो हम इजीली, अगर आप नहीं हमें उस प्राइस पे दोगे जो कि मार्केट की प्राइस है, हम किसी और से खरीद लेंगे और आपके प्रोडक्ट की डिमांड 0 पे पहुंच जाएगी। जैसे हम वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, अगर सब्जी हमें, सब्जी वाला वेजिटेबल सेलर अगर हमें उस प्राइस पे नहीं देता जो कि मार्केट में रेट चल रहा होता है, हम उसे छोड़ के किसी और से खरीद लेते हैं। तो परफेक्टली, हम इसको परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं। अब आता है आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट इज < 1 ग्रेटर < 1 का मतलब ये हुआ कि जिस प्रपोर्शन में प्राइस चेंज हो रही है उससे कम प्रपोर्शन में डिमांड हमारी चेंज हो रही है। फिर डी इज इक्वल टू 0, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, कि आप जो है 4-6 से प्राइस घटा के 5 कर दो, 4 कर दो, पर मेरी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ द कमोडिटी है डिफाइन करने वाला है कि डिमांड जो है वो इलास्टिक है। इलास्टिक वो ऐसे, देखिए सॉल्ट है तो नमक में जितना यूज़ कर रहे हैं उतना ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर नमक की प्राइस घटा दोगे तो आप में ज़्यादा नमक खाने लगूंगी। दैट इज़ नॉट, इसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इन सब के अलावा एक और चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कर्व देखिए, इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे आपकी डिमांड कर्व पे, ये डिमांड कर्व है हमारी, तो डिमांड कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस तरह से एलोकेट किए गए हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर सभी पे सेम है। इसको समझ लीजिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये बोलता है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज हो रहा है तो जिस रेट पे पहले था, जितना टोटल एक्सपेंडिचर पहले था उतने टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम आगे भी होगा। मतलब प्राइस घटने के साथ ही वी विल एलोकेट आवर रिसोर्सेज इन द वे दैट द टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम एज बिफोर। जैसे हमारी प्राइस पहले 5 थी तो हम इतनी कमोडिटी यूज़ कर रहे थे, अब हमने इतनी कमोडिटी यूज़ करनी शुरू कर दी प्राइस घटने के साथ। लेकिन इस तरह से मैनेज करेंगे चीज़ों की कि टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा सेम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था ED इज इक्वल टू 1, बस बिल्कुल वही वाली बात जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा था कि पहले भी हम 8 एक्सपेंडिचर कर रहे थे और अब भी हम 8 एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में यही होता है कि सारे पॉइंट जो होते हैं वो ED इज इक्वल टू 1 बनाते हैं। यानी हम टोटल इस तरह से अपने एक्सपेंडिचर को एलोकेट करेंगे कि हमारा जो है कर्व वो है वो इस तरह से बन जाएगा। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में हाइपरबोला। और ये ही इलास्टिसिटी हो गया कंप्लीट आज। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप कुछ सजेशन देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। I will provide you with the solutions. Thank you so much. That's all from my side. Thank you.